प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए थे जिसमें आपने देखा था एक्स मुस्लिम साहिल को और भारत की बेटी दबंग वकील नाजिया लाई खान जी को, आज उसी का सेकंड पार्ट हम आपके लिए लाए हैं क्योंकि पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ग्लोबल वार्मिंग है, लड़कियों का पीरियड्स जो है वो 10 साल में 11 साल में आ जाता है। 10 साल की बच्ची की शादी क्या 12 साल के लड़के से करवा रहा है कोई? नहीं, 10 साल की बच्ची की शादी कम से कम भी तो 25 साल के लड़के से करवाई जा रही है, आराम से 25-27 है ना करवाई जा रही है। मतलब कितने नीच हो, कितने गिरे हुए हो, कितने घटिया बेहुदा लफंगा आवारा टाइप के मर्द हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है? 10 साल की बच्ची बच्ची नहीं दिखाई देती है? मतलब अश्लीलता की इतनी हदें इन लोगों ने पार कर दी है कि नेशनल न्यूज पर आकर के चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट चेंज नहीं होगा, इनको 10 साल की बच्ची ही चाहिए बेड पर। शर्म नहीं आती? और बैरिस्टर पढ़ा हुआ आवेसी, वो भी बाहर देश से, वहां से पढ़ करके आकर के यहाँ पर शिक्षा का पैगाम भेजता, महिलाओं को कहता कि पंख लगा करके उड़ो, महिलाओं के फ्रीडम के बारे में बात करता, महिलाओं के डेवलपमेंट के बारे में बात करता, तो आकर के फिर से वो ये राग अलाप रहा है कि नहीं निकाह मसीहार होना चाहिए, निकाह मुत्ता होना चाहिए। और 10 साल की बच्ची का सलवार अवेसी बहुत जबरदस्त झांकता है कि पीरियड्स हुआ कि नहीं हुआ। अरे देखो देखो देखो, इसको पीरियड्स हो गया, इसका सलवार तो लाल हो गया, अब इसको भेजो किसी के बिस्तर पर। तो ये बंद करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। मैंने अपने चैम्बर में साहिल जी लड़कियों को रोते हुए देखा है, शरीर खत्म हो चुका है, शरीर में जान नहीं है, चेहरे का नूर खत्म हो चुका है। बच्चे तो पैदा करने हैं क्योंकि बच्चे अल्लाह की नूर है, बच्चे अल्लाह का तोहफा है। ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो? बेचारी का शरीर देख लो, वो मर रही है बेचारी, वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारा क्या जाएगा? वो मर जाएगी, उस एक पिता और एक माता रोएंगे, और तुम तो फिर से शादी कर करके ले आओगे अपने सेक्स, अपना सेक्स टॉय। और जो बच्चे वो पैदा कर करके मर रही है वो बच्चे अनाथ होंगे, क्योंकि मर तो छोड़ी भी बीवी या मरी भी बीवी के बच्चों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है मुसलमान मर्द। तो किसी को तो आवाज उठानी थी ना, किसी को तो सामने आना था ना। तो इसलिए मैंने झिझक और जितना डर था सबको एक पोटले में बांध करके गंगा में फेंक दिया और उसके बाद मैदान पे उतरी। और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो, कुछ भी मतलब ऐसी बातें भी बोल देती हो, अगर नहीं बोलूंगी ना तो इनको समझ में नहीं आएगा। अब मैं कहूंगी मौलाना साजिद रशीदी को कि आप मत कहिए एज ऑफ प्योबर्टी एंड इज एज ऑफ मैरिज, वो समझेगा ही नहीं प्योबर्टी होता क्या है। वो समझेगा ही नहीं। मैं कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं दिस इज अनपार्डनेबल सिन, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा। क्योंकि जो मौलाना जो धर्म के ठेकेदार है वो जब अरबी नहीं समझते हैं तो वो अंग्रेजी क्या समझेंगे? ये तो तोते की तरह रटते हैं अरबी को, कलामे पाक का साथ साथ कलमा के मीनिंग नहीं पता होते हैं, अल कुरान में कितने सजदे हैं वो नहीं पता होते। मैंने तो कई बार पूछ लिया है नेशनल न्यूज पर, नहीं बता पाया है। तो ये लोग तो चम्मच है, अल्लाह का स्लीपर सेल बन करके खड़ा रहता है। तो किसी को तो बोलना था, तो मैंने ही बिस्मिल्ला कर दिया। दो बात ऐड करना है मुझे नाजिया जी। एक जो आपने अभी चाइल्ड मैरिज का मुद्दा उठाया है, अभी मैं कल परसों ही एक वीडियो देख रहा था न्यूज नेशन में, हमारे साथ जो उनका नाम यार बताना जरा आप लोग जिनके साथ मैं क्या कहता है इस्लाम एपिसोड करता था, उनके साथ एक जो है पैनल में बड़े बाबा बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले, वाइट वाइट दाढ़ी वाले एकदम, क्या कहते हैं उसको, वली पिनाज जी के साथ जो है वो वली अल्लाह की तरह वो बैठे हुए थे। तो पिनाज जी ने उनसे सवाल किया कि यार ये 13 साल में लड़की जो है वो शादी के लिए रेडी हो जाती है? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ रेडी हो जाती है। तो उन्होंने कहा पिनाज जी ने कि आप अपनी बच्चियों की शादी करा दोगे? तो कहता है कि हाँ मेरी बच्ची है, उसकी मैंने 18 साल में शादी कराई है। तो उन्होंने कहा 13 साल में? तो कहता है कि हाँ 13 साल में भी सही है।
अब आप देखिए कि इतने बेगैरत लोग हैं ये कि नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ के धड़ल्ले से इस चीज को कहना और उसके बाद शान मार के ये कहना कि हमारी शरीयत जो कहती है हम उसी पे अमल करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। भारत में बैठे हुए इस तरीके से बातें करना, बेतुकी बातें करना, मतलब इतनी हिम्मत इनमें आती कहां से है? नहीं नहीं देखिए, इनको हिम्मत, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है जो पॉलिटिकल हो सके, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार ने इनको हिम्मत दी थी, डिवाइड एंड रूल, ये हिम्मत उनको कांग्रेस की सरकार से आई थी। और कई ऐसे मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन खोल के दिए गए कांग्रेस की तरफ से, जिससे इनको और भी उत्साह मिली, इनको और भी हिम्मत मिल गई। ठीक है, ये बेशरम है, बिल्कुल है, और बेशर्मी की हदों को इन्होंने इतना ज्यादा पार कर दिया है कि अभी इन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि ये कितनी बेशर्मी कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं होता है, बिल्कुल एहसास नहीं होता है। मैं अभी दिल्ली में थी तो मैं टाइम्स नाउ पे मैं स्टूडियो में डिबेट पर थी, तो हिजाब की बात आई तो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अरे बच्चियों के यूनिफॉर्म तो देखिए, इतने टाइट शर्ट होते हैं और इतने छोटे स्कर्ट होते हैं। मैंने कहा आपने देखा है, मतलब आपका बटन निकाल कर आप बच्चियों का शर्ट देखते हैं कि कितना टाइट है और स्कर्ट देखते हैं कि कितना छोटा है। शेम ऑन यू, मतलब आपने ये पुष्टिकरण खुद की है कि आप देखते हैं। उसके बाद फिर वो इतना झपट पड़ा, लेकिन मुझे मतलब ना चाहते हुए भी मुझे उसको केस और कोर्ट की धमकी देनी पड़ी। ये वही राशिदी है नाजिया जी, जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और प्यारे एमबीएस साहब जो है, उनके लिए इसी मौलाना राशिदी ने ये कहा था कि ये यहूदियों की औलाद है, ये यहूदी की औलाद है, ये नाजायज है, ये मुझे इसके मुसलमान होने पे भी शक है। ये इतनी इतनी बड़ी बातें इसने एमबीएस साहब के बारे में कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी कभी हज और उमरा पे भी नहीं जा पाएगा। नहीं जाना तो वहां वो चित्तर पड़ने हैं। नहीं नहीं, साजिद रशीदी को हज और उमरा पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से तो यहूदी है, एक्स मुस्लिम है, एमबीएस साहब तो मुसलमान ही नहीं है, तो उसके हिसाब से तो ये है, तो उसको हज उमरा पे नहीं जाना चाहिए। और जिन भी भारत के मुसलमानों को ऐसा फील होता है, यहाँ तक के पाकिस्तान के मुसलमानों को भी, कि जो रिफॉर्मेशन अरब में आ रहा है वो गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बॉयकॉट करना चाहिए हज और उमरा। बॉयकॉट करें, हिम्मत दिखाएं, बॉयकॉट करें। हम सब ने मालदीव्स बॉयकॉट किया ना, बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स ने भी बॉयकॉट कर दिया, तो जितनी भी सेलिब्रिटीज है सबने बॉयकॉट किया। तो ये हिम्मत दिखाएं और बिल्कुल सारे चैनल्स पर खड़े होकर के कहें कि हम हज और उमरा करने के लिए नहीं जाएंगे। हो गया, अब आ रही है आपका, आपने एक और सवाल किया था कि ये हिम्मत जो आ रही थी वो मैंने बताया, ये हिम्मत खत्म कैसे होगी? ये हिम्मत खत्म होगी जैसे यासीन मलिक की हिम्मत खत्म हुई थी, जैसे लारेब हाशमी की हिम्मत खत्म हुई, जैसे आफताब की हिम्मत खत्म हुई, जैसे कादिर खान की हिम्मत खत्म हुई, तो जैसे इन लोगों की हिम्मत खत्म की गई है, वैसे ही साजिद रशीदी है, तौकीर रजा है, सलमान है, मदनी है, अरशद मदनी है, ये अवेसी है, ऐसे लोगों की हिम्मत भी कानूनी शिकंजे से ही खत्म हो सकती है, क्योंकि ये लात के भूत है, ये बात से नहीं मानेंगे। आप इनको समझाइएगा, ये आपको गालियां देंगे। आप इनको बुझाने की कोशिश कीजिएगा, आप इनको मोहब्बत से बताने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी माँ बहन की गालियां देंगे, ये आपको गंदी गंदी गालियां देंगे, उसके बाद फिर अपने पिटिशन को ले जाएंगे कोर्ट में, हेटरेट स्पीच का FIR फाइल करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर अपने आप को सही बताने के लिए कुरान के पन्ने खोलेंगे, और वहां पर खोलेंगे जिस जज के टेबल पर संविधान रखा रहता है, और कन्विंस करेंगे जज को कि हमारा इस्लाम ये कह रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, और जज को सुनना भी पड़ेगा संविधान टेबल पर रखते हुए। तो जो नया जो कानून हमारा आया है, ऐसे ऐसे लफंदरों को जेल की सलाखों के अंदर भेजने के लिए वो इनफ है, इनफ। और आने वाले 2024 के एंड तक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं
कि हमारी तमाम भारत की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हम इस नए कानून पर जितने भी स्टेप्स लेंगे वो मेरी ड्यूटी है कि मेरी बेटियां सुरक्षित रहें। किसी हिसाब से ये निकाह मसियार है या सलवार झांकने का जो तरीका है या महिलाओं को हिजाब पहनाने का जो जिद है, ये सारी जिद को इनको जेल की सलाखों में भेज करके तब पूछेंगे, बोल बेटा तू 72 वर्जन हूर का दीवाना, तू उस 135 फुट की महिलाओं पर सीढ़ी से चढ़ने के लिए तैयार है और तू मुझे हिजाब पहनाएगा, अब जवाब दे। तो जिस तरह से अभी यासीन मलिक जैसे सीना चौड़ा करके चलता था लश्करे तैबा और अब्दुल्ला और मुफ्ती के जमाने में, और आज देखिए नजरें झुका करके कमर में रस्सी बंधी होती है, आने वाले वक्त में इनके भी कमर में रस्सी बंधी होगी, इनकी भी नजरें झुकी हुई होंगी, बेटी को बेटी की नजर से देखेगा, महिला को नजर झुका करके देखेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी मैं ले रही हूँ कि हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं नारी सुरक्षा के लिए, नारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो काम दिखेगा और नजर आएगा। संदेश खाली में जितना एक्टिव हम लोग हुए, अगर उतने एक्टिव हम नहीं होते साहिल जी तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने फिर से एक बार इन मजहब के ठेकेदारों की जमके क्लास लगाई, शांति दूतों को उधेड़ के रख दिया और इनके कारनामों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। और याद रखिए ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप जाके वो भी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।